Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to e-learning. Students, as you know that this is your first online class. Welcome to e-learning. I am your math teacher. सबसे पहले आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला से दुआ है कि रमज़ान हम सब के लिए दुनिया और आखिरत की भलाई लेकर आए और अल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक की बरकत से हम सब के लिए आने वाले दिन को रहमतों और बरकतों का दिन बना दे, क्योंकि ये रमज़ान रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है। इस माह मुबारक में जितनी रहमतें और बरकतें समेट सकते हैं इबादत के ज़रिए समेटें, और अल्लाह ताला से दुआ है कि इस रमज़ान मुबारक की बरकत से हम जिन मुश्किलात से गुजर रहे हैं अल्लाह ताला हम सबको उन मुश्किलात से दूर फरमाए और हमारे लिए आसानियां पैदा करें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि COVID-19 बहुत हद तक दुनिया में फैल चुका है और इसके ख़तरनाक असरात हम सब पर पड़ रहे हैं और बहुत सारी जानें ज़ाया हो चुकी हैं। बहुत सारे लोग इस वबा की वजह से बीमार हो रहे हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस वबाई अमराज से, इस वबा से हम सबको अल्लाह ताला महफूज फरमाए और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। आप सबको पता है कि COVID-19 हमारे मुल्क में भी मौजूद है, तो बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, घर में रहें, अपने सेहत का ख़ास ख्याल रखें, जितनी एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं कीजिए ताकि आप सेफ रहें। हाथों को बार बार धोएं, इसके अलावा सोशल डिस्टेंस का ख़ास ख्याल रखें। अगर कभी आपको घर से बाहर निकलना हो तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। स्टे होम सेफ प्लीज। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेजरमेंट है। ये मैंने आपको क्लास में समझाया था, आप लोगों ने किया भी था। मेजरमेंट में मैंने आपको मीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, किलोग्राम, लीटर और मिलीलीटर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाई थी और उनके बारे में बताया भी था। इनके यूनिट्स के बारे में भी बताया था कि ये यूनिट्स कब, कैसे और कहाँ यूज़ किए जाते हैं। जैसे मीटर और सेंटीमीटर से हम लेंथ मेजर करते हैं, किलोमीटर और मीटर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है कि दो डिफरेंस डिस्टेंस हैं उनको मेजर किया जाता है किलोमीटर और मीटर के ज़रिए। किलोग्राम और ग्राम चीज़ों की वेट को मेजर करने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा लीटर और मिलीलीटर लिक्विड थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि पानी, सिरप, ऑयल एंड अदर थिंग एक्सट्रैक्ट एक्सेट्रा। इन सब को मेजर करने के लिए हम लिक्विड ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए हम
लीटर यूज करते हैं, लीटर और मिलीलीटर। स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट इज इंटू सेंटीमीटर। मीटर और सेंटीमीटर के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए थे और आप लोगों को बताया था कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं। वन मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और इसको हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, 7 मीटर प्लस 63 सेंटीमीटर। क्या करेंगे हम कि ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाए, 7 मीटर 63 सेंटीमीटर 100 इसमें ऐड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 763 सेंटीमीटर। 7 मीटर 63 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ये 7 और ये 63, इन दोनों को 100 से ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 763 सेंटीमीटर। नंबर बी, 8 मीटर 27 सेंटीमीटर। 8 मीटर 27 सेंटीमीटर कन्वर्ट इज इनटू सेंटीमीटर, 827 सेंटीमीटर। 8 मीटर 27 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 827 सेंटीमीटर। फोर मीटर 68 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 468 सेंटीमीटर। फोर मीटर 68 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 468 सेंटीमीटर। फाइव मीटर 42 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 542 सेंटीमीटर। 5 मीटर 42 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 542 सेंटीमीटर। 9 मीटर 70 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 970 सेंटीमीटर। 9 मीटर 70 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 970 सेंटीमीटर। 7 मीटर 33 सेंटीमीटर, 7 मीटर 33 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 733 सेंटीमीटर। 7 मीटर 33 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 733 सेंटीमीटर। 2 मीटर 84 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 284 सेंटीमीटर। 2 मीटर 84 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 284 सेंटीमीटर। कन्वर्ट दिस इनटू सेंटीमीटर, ये आप लोगों को अपनी कॉपी में करना है, बहुत नीट और क्लीन कीजिएगा। आई अगेन रिपीट दिस ऑल क्वेश्चन। नंबर ए, 7 मीटर 63 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 763 सेंटीमीटर। 8 मीटर 27 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 827 सेंटीमीटर। 8 मीटर 27 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 827 सेंटीमीटर। 4 मीटर 68 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 468 सेंटीमीटर। 4 मीटर 68 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 468 सेंटीमीटर। 5 मीटर 42 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 542 सेंटीमीटर। 5 मीटर 42 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 542 सेंटीमीटर। 9 मीटर 17 सेंटीमीटर
9 मीटर 70 सेंटीमीटर इक्वल टू 970 सेंटीमीटर, 7 मीटर 33 सेंटीमीटर इक्वल टू 733 सेंटीमीटर, 7 मीटर 33 सेंटीमीटर इक्वल टू 733 सेंटीमीटर, 2 मीटर 84 सेंटीमीटर इक्वल टू 284 सेंटीमीटर, 2 मीटर 84 सेंटीमीटर इक्वल टू 284 सेंटीमीटर, 9. Next question, convert these into meters and centimeters. अब हम सेंटीमीटर्स को मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने भी आप लोग को समझाया था उसमें हमने सिर्फ सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था, अब हम मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. ये क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था कि इसको किस तरह से किया जाता है. अब हम इसको मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. नंबर ए, थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर इज इक्वल टू थ्री मीटर सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर. यहाँ पर आपने इसको अलग अलग करना है, थ्री मीटर और सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर. ठीक है, थ्री मीटर सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर इज इक्वल टू थ्री मीटर सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर. 7 मीटर 88 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 मीटर 88 सेंटीमीटर. 788 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 मीटर 88 सेंटीमीटर. 440 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर 40 सेंटीमीटर. 440 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर 40 सेंटीमीटर. 855 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 मीटर 55 सेंटीमीटर. 855 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 मीटर 55 सेंटीमीटर. थ्री हंड्रेड एंड टू हंड्रेड एंड थर्टी सेवन सेंटीमीटर इज इक्वल टू टू मीटर थर्टी सेवन सेंटीमीटर. टू हंड्रेड एंड थर्टी सेवन सेंटीमीटर इज इक्वल टू टू मीटर थर्टी सेवन सेंटीमीटर. नाइन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर इज इक्वल टू नाइन मीटर ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर. 924 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9 मीटर 24 सेंटीमीटर. सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी टू सेंटीमीटर इज इक्वल टू सिक्स मीटर थर्टी टू सेंटीमीटर. सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी टू सेंटीमीटर इज इक्वल टू सिक्स मीटर थर्टी टू सेंटीमीटर. आई अगेन रिपीट, कन्वर्ट दीज इंटू मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स. नंबर ए, थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर इज इक्वल टू थ्री मीटर सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर.
375 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 मीटर 75 सेंटीमीटर, 788 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 मीटर 88 सेंटीमीटर, 788 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 मीटर 88 सेंटीमीटर, 440 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर 40 सेंटीमीटर, 440 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर 40 सेंटीमीटर, 855 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 मीटर 55 सेंटीमीटर, 8 मीटर 855 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 मीटर 55 सेंटीमीटर, 237 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर 37 सेंटीमीटर, 237 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर 37 सेंटीमीटर, 924 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9 मीटर 24 सेंटीमीटर, 924 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9 मीटर 24 सेंटीमीटर, 632 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 मीटर 32 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, ये काम जो मैंने आप लोगों को अभी समझाया है, ये काम आप लोगों ने अपनी कॉपी में करना है, बहुत ही जोर में करना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। जितना काम आप लोगों को अब तक करवाया गया है मेजरमेंट का, वो सब आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो पेपर देते वक्त, और पेपर में जब ये आएंगे तो आपको इसी तरह से परफॉर्म करना होगा और बहुत नीट और क्लीन काम करना है। वर्ड प्रॉब्लम, द ट्रक वॉज लोडेड विद 352 किलोग्राम 100 ग्राम ऑफ पंपकिन, द ट्रक वॉज लोडेड विद 352 ग्राम 100 ग्राम ऑफ पंपकिन एंड 207 किलोग्राम 432 ग्राम ऑफ वाटरमेलन, फाइंड द टोटल वेट कैरीड बाय द ट्रक। द ट्रक वॉज लोडेड विद 352 किलोग्राम 100 ग्राम ऑफ पंपकिन एंड 207 किलोग्राम 432 ग्राम ऑफ वाटरमेलन, फाइंड द टोटल वेट carried by the truck. The truck was loaded with 352 kilogram 100 gram of pumpkin and 207 kilogram 432 gram of watermelon. Find the total weight carried by the truck. Kilogram और gram का आपने column बनाना है इस तरह से। Kilogram के column में kilogram के numbers आएंगे और gram के column में gram के numbers आएंगे। जैसे ही 352 किलोग्राम है तो ये किलोग्राम के कॉलम में आए और 100 ग्राम जो है वो ग्राम के कॉलम में गया। इसी तरह 207 किलोग्राम जो है वो किलोग्राम के कॉलम में आया, 432 ग्राम जो है वो ग्राम के कॉलम में आया। जब आप लोग पेपर करेंगे तो आप लोगों ने इसी तरह से कॉलम बनाना है, किलोग्राम और ग्राम का कॉलम बनाएंगे, और इस कॉलम को बनाने के बाद आपने इसके साथ आपने नंबर अरेंज करने, किलोग्राम के नंबर्स किलोग्राम में और ग्राम के नंबर्स ग्राम में, और फिर नंबर के नीचे ही नंबर होने चाहिए। ऐसा ना करें कि आपने नंबर आगे पीछे कर दिए और फिर आप ऐड कर रहे हैं तो वो एडिशन गलत हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि नंबर के नीचे नंबर, जैसे 0 के नीचे 2 है, 0 के नीचे 3 है, 1 के नीचे 4 है, तो इस तरह से नंबर्स को अरेंज करना है। अगर आप आगे पीछे करेंगे नंबर्स को तो आप कभी ऐड नहीं कर सकते। तो नंबर्स को बहुत केयरफुली अरेंज करेंगे तो इसके बाद आप इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। 0 में 2 प्लस किया, हमारे आंसर 2 आया। 0 में 3 प्लस करें, 3 आंसर आया। 4 में 1 प्लस किया, 5।
532 ग्राम। अब किलोग्राम के नंबर को हम ऐड करेंगे, 2 + 7 = 9, 5 में 0 + करेंगे 5, 3 में 2 + करेंगे 5, तो हमारा आंसर 559 किलोग्राम 532 ग्राम आया। हमारा वर्ड प्रॉब्लम था, द ट्रक वाज लोडेड विद 352 किलोग्राम 100 ग्राम ऑफ पम्पकिन एंड 207 किलोग्राम 432 ग्राम ऑफ वाटरमेलन। फाइंड द टोटल वेट कैरिड बाय द ट्रक। तो एक ट्रक ने पम्पकिन और वाटरमेलन लोड किया था, तो टोटल वेट कितना हुआ था? टोटल वेट जो था वो 559 किलोग्राम 532 ग्राम ये वेट बना था। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। स्टे होम, स्टे सेफ। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस वीडियो, सो आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।